हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा जीतू ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमारी ऑलमोस्ट टाइल्स लग चुकी हैं, अभी थोड़ी बहुत टाइल्स लगनी बाकी है। तो अभी वो लग जाती हैं तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ टाइल्स की किस तरह से लगी हैं। उससे पहले हम कर लेते हैं रूम की सफाई। तो गाइस, यहाँ पर काम चल रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं और टाइल ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी ये पिलर्स वगैरह नहीं हटाए हैं, वो भी हटाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे अंकल काम कर रहे हैं और यहीं पापा अपना ऊपर बैठ के कैमरे सेट कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा लगाना भी ज़रूरी है। तो पापा वहाँ पे कैमरा लगा रहे हैं अपना बैठ के, और वहाँ अंकल एक पिलर और बना रहे हैं तो उस पर पलस्तर वगैरह कर रहे हैं। सो हट भी आ चुका है यहाँ पर और ऊपर काम चल रहा है। तो गाइस, पिलर वगैरह सब चीज़ हट चुकी है और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है टाइल्स। काम बाकी है, ये जो साइड है ना, जो कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे अभी ग्रीन कलर की घास आएंगी और वो लगेगी इसके ऊपर। और ये वुडन की नहीं लगवाई है इस बार, ज़्यादातर वुडन की ही चल रही है, लेकिन वो नहीं लगवाई है, कुछ यूनिक लगवाया है। तो अभी अंकल वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं अंदर में, क्योंकि अंदर भी टाइल्स लगनी है। तो अभी आप बाहर की टाइल्स देखो, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं और अंकल अभी काम कर रहे हैं। वीडियो? तो यहाँ पे ये शटर निकल रही है क्योंकि यहाँ पे छत डलेगी, जैसे कि मैंने बताया था आपको। यहाँ पे पापा और भैया निकाल रहे हैं उसको। आप पीछे हो जाइए पापा जी। इससे कितना खुला खुला लग रहा है। हाँ, बड़ा लग रहा है। इसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, बार बार कोई ना कोई पेज फिर भी अटक जाता है कि ये भी निकालना है, अभी ये नहीं निकला, वो भी निकालना है। तो अब निकाल रहे हैं इसको जैसे तैसे करके। A few moments later. तो यहाँ पापा निकाल रहे हैं और एक और पेज निकल गया। अब इसको निकालना है। तो गाइस, फाइनली ये शीट निकल चुकी है बहुत मेहनत करने के बाद। और अब ये जो जाल लग रहा है इसको भी रिमूव कर देंगे बिल्कुल। तो देखते हैं फाइनल कैसा होता है। एक तो ये इतनी भारी है ना, बहुत टाइम बाद निकाल रहे हैं इसको, जब से लगी है फर्स्ट टाइम निकल रही है। मैं कह रही हूँ ऊपर नेट खत्म है, तार को कुछ नहीं होना चाहिए। खुला खुला कितना और बड़ा लग रहा है ना। गाइस, ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है और जो ऊपर शटर डली हुई थी वो भी निकलवा दी है। अब वहाँ पे छत बड़ी करवाएंगे, तो वो भी मैंने दिखा दिया है आपको। अभी देखते हैं कि और क्या क्या काम होना बाकी है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम। तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो प्लीज़ बनी रहिएगा इस ब्लॉग में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज, यहाँ पे शीतल हर्ष आ चुके हैं। शीतू देख रही है, शीतू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा खुला हो गया है। पूरा खुला हो गया, ये बड़ा बड़ा लग रहा है अब, और बड़ा लग रहा है ना। सो गाइज, अब यहाँ पे काम होगा और यहाँ पे इधर ना छत डलने वाली है, जो आप देख रहे हो ना, इधर में छत डलने वाली है। तो ताकि दीदी की शादी के लिए स्पेस ज़्यादा हो जाए, कुछ भी बोलती है ये। तो यहाँ पर ये पिलर वगैरह बनवा रहे हैं, एक वो एक ये, और जो बीच में जो ये जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे लगेगी जाली, जिससे कि शीतू झांक ना सके। कोई भी ना झांक सके। हाँ, बंदर वगैरह ना आए, बंदर वगैरह ना आए, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा खुला खुला स्पेस लग रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी छत लगने लगी है। यहाँ पर भी ये सब चीज़ लग गई हैं, इधर भी। सो बंदर इसी के थ्रू आते हैं, जिस अब यहाँ पर लग जाएगा जाल तो बंदर आने बंद हो जाएंगे। यहाँ ये शीतल अभी से झांकना शुरू हो गई है। आ रही है, देख हम क्या कर रहा है।
है? हाँ ये इसी में रहेगा ये इसी में रहेगा इसका घर बन रहा है। तो गाइस बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है सब चीज। The next day अंकल पत्थर लगाए जो हमारी पहली प्लानिंग चल रही थी। अब ये कह रहा है कि यार पत्थर से लुक अलग हो जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा, खराब होगा। पर मैं कह रहा हूँ पत्थर ही होना चाहिए क्योंकि ये जो मेन तो हमारा ये है ना, गेट अलग ही दिखेगा फिर पत्थर लगने वाले। अगर ऐसे ही लगाएंगे तो फिर गेट और इसमें कोई वो थोड़ी दिखेगा, एक जैसा हो जाएगा। तो अंकल यहाँ दिल लगा के दिखा रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये ऐसी एक के बाद एक लगती जाए। अब इसमें हम दो पे रखते हैं, एक चलो लीजिए बेटा। ये कह रहे हैं इस तरीके से। नहीं 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 है, नहीं ये एक के ऊपर एक ही सही है जो वो पेंसिल है। हाँ हाँ इसके ऊपर एक ये वाली टाइल लग गई उसके ऊपर, फिर एक हर 8 इंच पे लगी हुई थी। लेकिन इसमें क्या कर रखा था उसने, दो दीवार बना रखी थी, एक खाली ब्राउन की वो लाइट गाइट के लिए वो दिखाने के लिए वो लगाते हैं उनका क्या वो दिखाई। अच्छा जस्ता तो वहीं से देख के है क्या यार, ऐसा गेटअप आएगा तो बड़ा बढ़िया है। वो गेटअप को देख के तो लगाते ही है। तू आई है देखने के लिए, अभी ये टाइल लग रही है, फाइनल लुक दिखाएंगे। और फ्रेंड्स ये सब चीज़ देखो कि कितना काम चल रहा है, ये देख सकते हो आप। ये छत ये सब अभी पूरा तैयार हो जाएगा ना लुक, मैं तब आपको दिखाऊंगी। ये देख सकते हो आप अभी कितना काम चल रहा है। और ये छत भी हमारी टूट चुकी है क्योंकि यहाँ से छत ये बड़ी हो जाएगी तो हमें छत में स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें लिए काम चल रहा है और वॉशरूम वगैरह में भी टाइल्स लग रही हैं, तो काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो काम अभी बहुत सारा बचा है क्योंकि अभी ये वॉशरूम वगैरह में भी टाइल लगेंगी, सारा काम ऐसे ही है अभी। और ये देखो हर्षू कितनी मेहनत कर रहा है, ले ये देखो कितना सामान ले लेकर आ रहा है अंकल पता नहीं कहाँ है। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है गाइस, तो देखते हैं फाइनल लुक कब मिलता है आप लोगों को। देखो गाइस अभी काम बहुत सारा बचा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना जो पूरा लुक आ जाए ना, जो घर का जो पूरा लुक है वो मैं आपको एक व्लॉग में दे दूँ। आप ये सोचोगे कि बार बार बोल रही है कि इस ब्लॉग में दिखाऊंगी उस ब्लॉग में दिखाऊंगी, बट कंप्लीट ही नहीं होके दे रहा है काम। आपको भी पता ही है, आप भी अपने घर में काम वाम करवाते होगे तो एक काम छिड़वाते हो तो दूसरा ऑलरेडी तैयार रहता है कि हाँ अब ये भी काम करवा लेते हैं। अब अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में सोचेंगे सोचेंगे सोचने सोचने में वो काम अभी हो जाता है कि अगर ये काम छिड़ रहा है तो फिर इसी के साथ में ये भी काम करवा दो। तो अभी काम और चल रहा है, तो देखती हूँ मैं कि फ़ाइनल लुक मैं आपको कब दिखाऊँ। आई होप मैं आपको वो फाइनल लुक नवरात्रियों से पहले ही दिखा दूँ। कोशिश तो हमारी भी यही है कि नवरात्रियों तक काम निपट जाए, तो देखते हैं। तो गाइस जब काम फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको पूरा अपने घर का होम टूर दूँगी, तो वेट एंड वॉच। होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और इस व्लॉग में भी सिर्फ और सिर्फ घर का जो काम चल रहा है, रेनोवेशन का जो काम चल रहा है, वो मैंने इस व्लॉग में दिखाया है क्योंकि YouTube पे वीडियो हमेशा के लिए रहती है, वो कभी डिलीट नहीं होती है। तो ये हम लोग भी देखेंगे बाद में और सब देखेंगे कि घर कैसे बनता है, कितनी मेहनत लगती है, पापा कितनी मेहनत करते हैं। तो ये व्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आज ये काम हो रहा है, आज वो काम हो रहा है। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारा प्यार दो व्लॉग को। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।